आपने रिसेंटली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए वीडियो लीक केस के बारे में सुना होगा, जिसमें कुछ लड़कियों की ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस लीक हो जाती है। तो इस क्राइम को ना वॉयरिज्म कहते हैं, और इसकी दो चीजें सबको समझने की जरूरत है। सबसे पहला ये कि अगर कोई किसी वुमेन की पिक्चर्स या वीडियोस रिकॉर्ड करता है बिना उसकी परमिशन के, तो ये एक क्राइम है। दूसरा, अगर वुमेन ने आपको परमिशन दे भी दी रिकॉर्ड करने की, पर बाकियों को डिस्ट्रीब्यूट करने की नहीं, और आप वो करते हो, तो ये भी क्राइम है। और ये सब कवर्ड है वॉयरिज्म के अंदर, आईपीसी के सेक्शन 354 के अंदर। अब अगर आपकी जान पहचान में किसी के साथ भी ये होता है, तो उसे बिल्कुल भी लाइटली ना ले, और उसे दो में से कोई भी चीज करने बोल सकते हैं। सबसे पहले साइबर सेल इंडिया में जाके कंप्लेन फाइल करने बोले, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। दूसरा, वो लोकल पुलिस स्टेशन जाकर FIR भी फाइल कर सकते हैं। लास्ट में दो चीजें और ध्यान रखिए, एक अच्छी एक बुरी है। अच्छी ये कि इसमें जो अक्यूज है ना, वो IT एक्ट के सेक्शन 66E के अंदर भी लायबल होगा, जिसमें 3 साल की जेल और 2 लाख का फाइन दिया गया है। दूसरी खबर ये कि हमारी सोसाइटी की सोशल सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ये एक और ऐसा क्राइम है जो सिर्फ एक मैन, एक वुमेन के अगेंस्ट